कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत मौसम खराब हो गया है। देखिए आप आसमान को देखिए, यहाँ सिबनसरी में हूँ मैं और जोरों शोरों से यहाँ तूफान यहाँ पे आने का संभावना है। तो मैं अभी ये ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ एंड देखिए, अरे यार बहुत रिस्की होते हैं यार, मौसम यूँ वैसे अचानक से खराब हो गया। मैं लाइट ऑन करके जा रहा हूँ जबकि अभी 2 बजे रहा है यहाँ पे दिन का, ढक लिया है बादल ने आसमान को। चलिए चलिए मैं चलता हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलता हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पूरे पत्ते और यहाँ पे डाली पेड़ के गिरे हुए हैं। देखिए ये देखिए विकास को, ओह शिट यार मैन, जल्दी निकलता हूँ। ये आसाम में हूँ मैं हाईवे पे, ऐसे तूफान में इतनी जाना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे जल्दी निकलना होगा क्योंकि मेरे दोस्त लोग जो है आगे निकल चुका है और मैं रह गया हूँ पीछे। एंड फाइनली ये देखिए यहाँ बारिश आ गया है, दिन के 2 बजे साढ़े 2 बजे है और यहाँ देखिए पूरा अंधेरा छा गया है, सब लाइटें ऑन कर लिया आपने। और ये देखिए जैसे मैंने कहा था, ये देखिए यहाँ गिरा हुआ है गेट, वो देखिए और लाइटिंग आप देख सकते हैं, वो गेट गिर गया है बीचों बीच रास्ते के बीचों बीच। मैं अकेला हूँ एंड मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, वरना ऐसे मौसम में ट्रैवल बिल्कुल करना नहीं चाहिए, मैं प्रेफर नहीं करूँगा ऐसे। और मैंने ग्लासेस इसलिए लगाया हुआ है कि जो ये लाइटनिंग है तो मेरी आँखों पर ना पड़े, इससे आई जो है डैमेज हो सकता है। एंड ये मेरे पुराने ग्लासेस है, मुझे इतने पसंद नहीं थे तो मैं इतना पहनता नहीं था, तो लेकिन आज पहनना पड़ रहा है। नज़ारा जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी है। सब अपने इंडिकेटर्स लाइट वगैरह ऑन कर लिया है अपनी गाड़ी का। देखिए वो देखिए, ये जगह इतना अभी सेफ्टी नहीं है, ये बहुत ही सुंदर जगह है आपका ईटानगर, जो कोई भी इस रास्ते से जाता है तो ये सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये देखिए और 3-4 यहाँ पेड़ गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा आगे, देखिए फॉग फॉग हो गया है, मुझे कुछ आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। तो धीरे धीरे जाता हूँ संभल संभल कर, हाईफ्रे में अच्छी तरह पहुँच जाओ अपने घर पर। Heavy rainfall right now here in Assam near Dhemaji. मौसम अचानक से बदल गया है और देखिए जो धूप था अब बारिश हो गया है, मौसम बहुत खतरनाक हो चुका है ये मौसम। और मैं अकेला हूँ, पहली बार ऐसे मौसम का सामना कर रहा हूँ अकेला, दिखाई नहीं दे रहा आगे की। दोस्तों विजिबिलिटी जो है बहुत कम है रास्ते का, दिखाई नहीं दे रहा धूप के कारण, बारिश इतना बैक टू बैक इतना लार्ज अमाउंट में हैवी स्केल में गिर रहा है, और भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कर भी क्या सकता हूँ। तो ये है ब्लॉगर का ज़िंदगी, ऐसे मौसम में एक्चुअली मुझे तो होशियार और सावधान और नज़र वहाँ आगे होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो आई थिंक दिस इज हाउ ब्लॉगर्स लिव देयर लाइफ। तो दोस्तों
इस वक्त के लिए मैं आगे देखता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो देखिएगा, लेकिन अभी के लिए मैं आगे देखता हूँ। तो राइट नाउ अभी पहुँच गया हूँ यहाँ पे सिलापटर पे, और मौसम कम गया है, बारिश रुक गया है, तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे भी देखिए बहुत मौसम ख़राब था, बारिश बहुत हुआ है यहाँ पे, कुछ कुछ हल्का सा नुकसान हुआ है, पता नहीं हो अभी रुक गया है, और बारिश भी हल्का से दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी जा रहा हूँ, कुछ खा लेता हूँ। गाइस देखिए अभी पेड़ धूप निकल गया है वहाँ पे, देखिए दिखाई दे रहा है, निकला नहीं माने डलने जा रहा है, लेकिन अभी दिख रहा है धूप जो। और मेरे साथ यहाँ पे मेरा बेटा आ गया है, और हम दोनों जा रहे हैं, ये मुझे कंपनी दे रहा है, इट्स वेरी गुड फॉर मी, एंड उम्मीद करता हूँ कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ। तो गाइस अभी लगता है मौसम भी अच्छा हो जाएगा, इतना तकलीफ नहीं देगा। Thank you for watching my video. Bye. Take care.